हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू अरुणाचल वीकली करंट अफेयर्स सीरीज जिसमें से 31 ऑफ जनवरी तक के कंबाइंड करेंट अफेयर्स को पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है मोबाइल फोन एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हियर द करेक्ट आंसर इज नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए कॉमन सर्विसेस सेंटर यानी सी ने लॉन्च किया है योग्यता मोबाइल एप ये जो एप है ये आपके मोबाइल फोन में काम करेगा और इसका एम है वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना यूथ्स के लिए और अदर सिटीजन इन रूरल एरियाज के लिए इट इंक्लूड्स दी एक्सेस टू कोर्स लाइक साइबर सिक्योरिटी कैड एंड थ्री पेंटिंग इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी बिकॉज यू ऑल नो दिग्रीज के साथ साथ स्किल कितनी ज्यादा जरूरी है और स्किल को ही बूस्टअप करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें आपको एडिशनल साइबर सिक्योरिटी कैड जैसे कोर्सेस अप्लाई उपलब्ध कराए जाएंगे दी ट्रेनिंग कंटेंट इज ऑन अंटीन्यूअस लर्निंग मोड एंड दी कोर्सेस आर इली सब्सक्रिप्शन बेस्ड राइट सो दिस इज योग्यता एप विच वॉज लॉन्च बाय डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी Now come to the question number two. Which state or UT launched India's first district good governance index? Yani DGGI? The answer here is option number B Jammu and Kashmir, India ka pehla district good governance index release kya gaya hai union territory of Jammu and Kashmir Kidwara in the composite ranking of the index, the Jammu District tops the list. Followed by a district of Doda, Samba, Pulwama, and Srinagar in the union territory. The index is a framework document which assesses the performance under ten governance sectors with 58 indicators. And you have to remember this fact that there are ten governance sectors and 58 indicators. Right now, come to the basics of Good Governance Index. इंडेक्स वॉज प्रिपेयर रिफॉर्मस एंड पब्लिक राइट दो हजार इक्कीस में ये जो कम्बाइंड इंडेक्स पूरे भारत के लिए जो रिलीज किया गया है इसे प्रिपेयर किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मस एंड पब्लिक ग्रीवेंसेज के द्वारा जो की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर काम करता है अर्लियर दिस इयर इंडिया वॉज रैंक फोर्टी नाइन इन दी चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स राइट right, तो ओवरऑल जो ग्लोबल रैंकिंग दी जाती है चैनलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स की इसमें इंडिया का फोर्टी रैंक था ये आपको याद रखना है 2021 में जीजीआई यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव और इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क है जो कि असेस करता है गुड गवर्नेंस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज को ताकि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए गवर्नेंस सेक्टर में और ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करें क्योंकि जहां कंपटीशन होता है वहीं बेटरमेंट होता है राइट सो जीजीआई इज एंड एज अ बाय एनुअल एक्सरसाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ बाय एनुअल एक्सरसाइज अब जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है उसके क्या पैरामीटर्स हैं इंडिकेटर्स क्या हैं वो हमें यहाँ पर देखना है तो पहला इंडिकेटर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स यानी इसमें किस तरीके से काम हो रहा है कैसे गवर्नेंस हो रहा है देन द वन इज एनवायरमेंट देन सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस पब्लिक हेल्थ पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड द इकोनॉमिक गवर्नेंसर फैक्टर्स टेन पैरामीटर्स ऑन विच द गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन राइट दो हजार इक्कीस के गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात कर रहे थे तो हमें रैंकिंग भी पता होनी चाहिए क्या रैंकिंग है किस स्टेट की सो द इंडेक्स कैटेगराइज स्टेट एंड यूटीज इंटू फोर कैटेगरीज ग्रुप ए आता है ग्रुप ए में गुजरात ने टॉप किया है कंपोजिट रैंकिंग ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड गोवा सो द रैंकिंग इन ग्रुप ए इज फर्स्ट वन इज गुजरात द सेकेंड वन इज महाराष्ट्र एंड थर्ड वन इज गोवा सो ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है फॉलोड बाय राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है फॉलोड बाय मिजोरम एंड उत्तराखंड राइट यूनियन की हम बात करें तो दिल्ली ने टॉप किया है कंपोजिट रैंकिंग में रजिस्ट्रिंग ऑफ 14% परसेंट इंक्रीज ओवर द जीजीआई 2019 इंडिकेटर्स यानी 2019 से 21 तक दिल्ली ने 14 परसेंट इंक्रीज किया है अपनी कंपोजिट रैंकिंग को राइट right, यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया तो वर्ल्ड बैंक ने 1992 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विच इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दी स्टेट्स एंड दूटीज राइट फॉर बेटरमेंट नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन दैट इज मैम अ स्कीम ऑफ विच यूनियन मिनिस्ट्री देखिए एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई है तो ये स्कीम किसकी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर की तो सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन स्मैम इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है इसे बेसिकली 2014-15 में लॉन्च किया गया था और इसका एम था टू इंक्रीज द रीच ऑफ फार्म मैकेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऐसे रीजन्स में पावर अवेलेबिलिटी पहुंचाना, फार्म को मैकेनाइज करना जहां पे ये सारी चीज़ें नहीं पहुंची हैं राइट right? जो पावर अवेलेबिलिटी है काफ़ी लो है तो वहां तक बिजली पहुंचाना, मशीन्स अवेलेबल कराना उन्हें सब्सिडीज़ देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर सके और उनकी इनकम को भी इंक्रीज़ किया जा सके ऐसे में जो रिसेंट गाइडलाइंस है इस मैम की इसमें A grant of up to 100% of cost of agriculture drone or a piece 10 lakh is provided for purchase of drones by farm machinery training and testing institutes, ICAR institutes, ICAR institute, KVKs and state agriculture universities for demonstration of this technology. The farmers fields FPO can get up to 75% of cost of agriculture. ड्रोन राइट right? तो यहां पे आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इन पे निगरानी रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है फार्मर्स को तो ड्रोन्स के लिए भी हंड्रेड परसेंट ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है इस मैम की गाइडलाइंस के तौर पर राइट right? सो so इसीलिए ये चर्चा में था अभी करंट का विषय है आपको याद रखना है फुल फॉर्म और कब स्टार्ट हुआ था ये दो हजार चौदह पंद्रह में नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर स्पाइसिस Board is a regulatory and export promotion agency under which ministry? The answer here is option number B. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है स्पाइसेस बोर्ड ये क्या करता है स्पाइसेस के एक्सपोर्ट प्रमोशन को रेगुलेट करता है और काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है कोची केरला डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी हम स्पाइसेस मसालों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आ जाता है कि पोर्टुगीज कहा आए थे केरला में आए थे किस लिए आए थे मसालों के लिए आए थे मसाले उन्हें पसंद आ गए वहां जाके जब उन्होंने बेचे तो काफी अच्छा उनको अमाउंट मिला सो दैट्स वाई आपको कोची केरला हैडक्वार्टर का है ये याद रखना है केरला में काफी ज्यादा मसाले होते हैं स्पेशली आप इलायची की बात करें लौंग की बात करें तो ऐसे मसाले वहां पे बहुत हाई क्वालिटी के मिलते हैं राइट स्पाइस एक्सचेंज इंडिया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है स्पाइस एक्सपोर्ट्स के लिए रिमेंबर दिस नेम स्पाइस एक्सचेंज इंडिया सो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू ट्वेंटी फाइव डिफरेंट स्पाइसेस एंड स्पाइस प्रोडक्ट्स टू मोर देन वन हंड्रेड एटी कंट्रीज प्राचीन काल से ही भारत मसालों में काफी ज्यादा रिच रहा है और काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट किए जाते हैं मसाले लगभग 180 देशों में इट इज अ थ्री डी वर्चुअल प्लेटफॉर्म टू कनेक्ट इंडिया फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये जो प्लेटफॉर्म है काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है इसका नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया इंडिया का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है स्पाइस बोर्ड ने इसीलिए ये चर्चा में था हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एडिनाचल वीकली करेंट अफेयर्स सीरीज जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे ट्वेंटी फोर्थ से थर्टी फर्स्ट ऑफ जनवरी तक के कंबाइंड करेंट अफेयर्स को पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है योग्यता मोबाइल फोन एप्लीकेशन वाज लॉन्च्ड बाय द ऑप्शंस आर कॉमन सर्विस सेंटर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हेयर द करेक्ट आंसर इज नानप्शन नंबर ए कॉमन सर्विस सेंटर यानी सी एस सी ने लॉन्च किया है योग्यता मोबाइल एप ये जो एप है ये आपके मोबाइल फोन में काम करेगा और इसका एम है वोकेशनल एजुकेशन और स्किल एनहांसमेंट अपॉर्चुनिटीज को प्रोवाइड करना यूथ्स के लिए और अदर सिटीजन इन रूरल एरियाज के लिए इट एक्सेस टू कोर्स लाइक साइबर सिक्योरिटी कैड एंड थ्री डी पेंटिंग टू इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी बिकॉज यू ऑल नो दिग्रीज के साथ साथ स्किल कितनी ज्यादा जरूरी है और स्किल को ही बूस्टअप करने के लिए ऐप लॉन्च किया गया है जिसमें आपको एडिशनल साइबर सिक्योरिटी कैड जैसे कोर्सेस अप्लाई उपलब्ध कराए जाएंगे the training content is on a continuous learning mode and the courses are yearly subscription based. Right? So this is योग्यता एप विच वॉज लॉन्च बाय डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी नाउ कम टू द्वेश्चन नंबर टू विच स्टेट और यूटी लॉन्च इंडिया डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स यानी डी डी जी आई दी आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का पहला डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया गया है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इंड कंपोजिट रैंकिंग ऑफ द इंडेक्स दम्मू डिस्ट्रिक्ट टॉप दी लिस्ट Followed by a district of Doda, Samba, Pulwama, and Srinagar in the union territory. The index is a framework document which assesses the performance under ten governance sectors with fifty-eight indicators. And you have to remember this fact that there are ten governance sectors and fifty-eight indicators. Right now, come to the basics of Good Governance Index. इंडेक्स वॉज प्रिपेयर राइट दो हजार इक्कीस में ये जो कंबाइंड इंडेक्स के लिए रिलीज किया गया है इसे प्रिपेयर किया गया था डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसिस के द्वारा जो की मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशन के अंदर काम करता है अर्लियर दिस इयर इंडिया वॉज रैंक फोर्टी नाइन इन दी चैंडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स राइट right, तो ओवरऑल जो ग्लोबल रैंकिंग दी जाती है चैनल गुड गवर्नेंस इंडेक्स की इसमें इंडिया का फोर्टी रैंक था ये आपको याद रखना है 2021 में GGI यानी गुड गवर्नेंस इंडेक्स क्या है ये कॉम्प्रिहेंसिव और इम्प्लीमेंटेबल फ्रेमवर्क है जो कि असेस करता है गुड गवर्नेंस अक्रॉस स्टेट्स एंड यूटीज को ताकि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए गवर्नेंस सेक्टर में और ज्यादा अच्छा काम करने की कोशिश करें क्योंकि जहां कॉम्पिटिशन होता है वहीं बेटरमेंट होता है राइट सो जीजीआई इज एनविस्ड एज अ बाई एनुअल एक्सरसाइज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज अ बाई एनुअल एक्सरसाइज अब जो गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज किया जाता है उसके क्या पैरामीटर्स हैं इंडिकेटर्स क्या हैं वो हमें यहां पर देखना है तो पहला इंडिकेटर है एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स यानी इसमें किस तरीके से काम हो रहा है कैसे गवर्नेंस हो रहा है। हेल्थ पब्लिक इंफ्रा एंड यूटिलिटीज कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जुडिशियल एंड पब्लिक सिक्योरिटी सोशल वेलफेयर एंड डेवलपमेंट एंड द इकोमिक गर्नेस दीज ऑल आर दिन पैरामीटर्स ऑन विच द गुड गवर्नेंस इंडेक्स इज बेस्ड ऑन राइट दो हजार इक्कीस के गुड गवर्नेंस इंडेक्स की हम बात कर रहे थे तो हमें रैंकिंग भी पता होनी चाहिए क्या रैंकिंग है किस स्टेट की सो द इंडेक्स कैटेगराइज स्टेट एंड यूटीज इंटू फोर कैटेगरीज ग्रुप ए आता है ग्रुप ए में गुजरात ने टॉप किया है कंपोजिट रैंकिंग ऑफ गुड गवर्नेंस इंडेक्स ट्वेंटी ट्वेंटी फॉलोड बाय महाराष्ट्र एंड गोवा सो द रैंकिंग इन ग्रुप ए इज फर्स्ट वन इज गुजरात द सेकेंड वन इज महाराष्ट्र एंड थर्ड वन इज गोवा सो ग्रुप बी में मध्य प्रदेश ने टॉप किया है फॉलोड बाय राजस्थान एंड छत्तीसगढ़ नॉर्थ ईस्ट और रियल स्टेट्स की बात करें तो हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया है फॉलोड बाय मिजोरम एंड उत्तराखंड राइट यूनियन टेरिटरीज की हम बात करें तो दिल्ली ने टॉप किया है कंपोजिट रैंकिंग में रजिस्ट्रिंग ऑफ 14% इंक्रीज ओवर द जीजीआई 2019 इंडिकेटर्स यानी 2019 से 21 तक दिल्ली ने 14% इंक्रीज किया है अपनी कंपोजिट रैंकिंग को इट right? यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां से आया तो वर्ल्ड बैंक ने 1992 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट वहां से ये कॉन्सेप्ट निकल के आया गुड गवर्नेंस इंडेक्स का विच इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ दी स्टेट्स एंड यूटीज राइट फॉर बेटरमेंट नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर थ्री सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन दैट इज स्मैम Is a of which union से जुड़ी हुई है तो ये स्कीम किसकी होगी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंडर्स वेलफेयर की तो सब SMAM, इसका आपको फुल फॉर्म याद रखना है इसे बेसिकली 2014-15 में लॉन्च किया गया था और इसका एम था टू इंक्रीज द रीच ऑफ फार्म मैकेशन टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स ऐसे रीजन्स में पावर अवेलेबिलिटी पहुंचाना, फार्म को मैकेनाइज करना जहां पे ये सारी चीज़ें नहीं पहुंची हैं राइट जो पावर अवेलेबिलिटी है काफ़ी लो है तो वहां तक बिजली पहुंचाना, मशीन्स अवेलेबल कराना उन्हें सब्सिडीज देना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन वो कर सके और उनकी इनकम को भी इंक्रीज किया जा सके ऐसे में जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं इस मैम की इसमें A grant of up to 100% of cost of agriculture drone or a piece 10 lakh is provided for purchase of drones by farm machinery training and testing institutes, ICAR Institutes, ICAR Institute, KVKs, and State Agriculture Universities for demonstration of this technology. The farmers fields FPO can get up to 75% of cost of agriculture. ड्रोन राइट right? तो यहां पे आप देखेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि इन पे निगरानी रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग काम किया जाता है ट्रेनिंग दी जाती है फार्मर्स को तो ड्रोन के लिए भी हंड्रेड परसेंट ग्रांट प्रोवाइड की जा रही है इस की गाइडलाइंस के तौर पर राइट right? सो so इसीलिए ये चर्चा में था अभी करंट का विषय है आपको याद रखना है फुल फॉर्म और कब स्टार्ट हुआ था ये 2014-15 में नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर फोर स्पाइसेस Board is a regulatory and export promotion agency under which ministry? The answer here is option number B. मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है स्पाइसेस बोर्ड ये क्या करता है स्पाइसेस के एक्सपोर्ट प्रमोशन को रेगुलेट करता है और काम करेगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के अंतर्गत इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है कोची केरला डाउट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए क्योंकि जब भी हम स्पाइसेस मसालों की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले याद आ जाता है कि पोर्टुगीज कहा आए थे केरला में आए थे किस लिए आए थे मसालों के लिए आए थे मसाले उन्हें पसंद आ गए वहां जाके जब उन्होंने बेचे तो काफी अच्छा उनको अमाउंट मिला दैट्स so आपको कोची का केरलावार्टर है ये याद रखना है केरला में काफी ज्यादा मसाले होते हैं स्पेशली आप इलायची की बात करें लौंग की बात करें तो ऐसे मसाले वहां पे बहुत हाई क्वालिटी के मिलते हैं राइट स्पाइस एक्सचेंज इंडिया एक वर्चुअल प्लेटफॉर्म है स्पाइस एक्सपोर्ट्स के लिए रिमेंबर दिस नेम स्पाइस एक्सचेंज इंडिया तो इंडिया एक्सपोर्ट्स टू ट्वेंटी फाइव डिफरेंट स्पाइसेस एंड स्पाइस प्रोडक्ट्स टू मोर देन वन हंड्रेड एटी कंट्रीज प्राचीन काल से ही भारत मसालों में काफी ज्यादा रिच रहा है और काफी ज्यादा अमाउंट में एक्सपोर्ट किए जाते हैं मसाले लगभग 180 देशों में इट इज अ थ्री डी वर्चुअल प्लेटफॉर्म विच एम्स टू कनेक्ट इंडिया स्पाइस एक्सपोर्टर्स विद बायर्स फ्रॉम अराउंड दी वर्ल्ड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो ये जो प्लेटफॉर्म है काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है इसका नाम है स्पाइस एक्सचेंज इंडिया इंडिया का पहला वर्चुअल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया स्पाइस बोर्ड ने इसीलिए ये चर्चा में था बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ विच डिपार्टमेंट मैनेजर्स कंटेन्जेंसी फंड ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट कंटेजेंसी फंड ऑफ इंडिया को किसके द्वारा मैनेज किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा रिमेंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी अगर आप जीएस में जाएंगे तो जीएस में कई बार कंटेडी फंड ऑफ इंडिया के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है डीप में भी पूछ लेते हैं कभी कभी कि कौन कौन से ऐसे फंड हैं जो इस कंटेन्सी फंड से दिए जाते हैं कौन से नहीं दिए जाते हैं तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी होती है कंटेन्सी फंड ऑफ इंडिया इज हेल्प बाई द फाइनेंस मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ

तो इसीलिए ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्वेश्चन पहला तो यहाँ बन जाता है कि असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड क्या है तो वो है असम वैभव राइट अब इस साल ये किसको दिया गया है तो दिया गया है नन देन रतन टाटा जी को यहाँ पर देखेंगे असम गवर्नमेंट ने ऑलमोस्ट ये घोषणा कर दी है कि हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इस साल किसको दिया जाएगा इंडस्ट्रियलिस्ट एंड रतन टाटा जी को जो कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन हैं साथ ही साथ इन्होंने जो काम किया है वो काफी सराहनीय है काफी सारे डोनेशन ये करते हैं काफी सारे ऐसे अच्छे काम है जो कि भारत की उन्नति में योगदान देते हैं राइट right? तो स्टेट विल ऑल्सो कन्फर्म भारत वैभव असम सौरभ एंड असम गौरव अवार्ड दी असम सौरभ अवार्ड विल बी कन्फर्ड ऑन याद रखना चाहिए अपने लाइफ में आई डोंट बिलीव इन टेकिंग द राइट डिसीजन आई टेक डिसीजन एंड देन मेक दम राइट अगर आप हमेशा यही सोचते रहेंगे कि सही क्या है गलत क्या है तो जितने लोगों से आप डिस्कस करेंगे आपको उतनी ही तरह का क्या मिलेगा एडवाइस मिलती रहेगी राइट right? तो अब ऐसे में क्या होगा आप कभी भी राइट right डिसीजन नहीं ले पाएंगे और हर एक डिसीजन समय के अकॉर्डिंग गलत और सही हो सकता है तो आपको चाहिए कि आपने जो डिसीजन लिया है अगर एक बार उसे ले लिया है तो अब आप पूरी जान डाल के उसे सही बनाने में लग जाए ताकि आपको आगे कोई भी रिग्रेट ना हो क्योंकि कोई भी ऐसा काम नहीं है जो इम्पॉसिबल हो सकता है राइट right? तो ये चीज हमें अपनी लाइफ में हमेशा याद रखनी चाहिए

किया जा सकता है और किसी के भी द्वारा रिप्रोड्यूस किया जा सकता है कोई भी लीगल स्ट्रेटस पे नहीं होगा क्वेश्चन नंबर एट विच टेक्नोलॉजी कंपनी अनवील्ड ए आई रिसर्च सुपर क्लस्टर द आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मेटा दैट इज फॉर्मर फेसबुक तो फेसबुक ने या मेटा ने अनवील किया है एआई सुपर रिसर्च क्लस्टर आर जो कि फास्टेस्ट होगा पूरी दुनिया में और नेक्स्ट ईयर के मिडिल तक ही आ जाएगा ये सुपर कंप्यूटर है जो कि इंट्रोड्यूस किया गया है एआई टेक्नोलॉजी के साथ आरएससी के साथ राइट right, तो फास्टेस्ट एआई सुपर कंप्यूटर्स में से एक होने वाला है ये नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नाइन हेलोड्यूल यूनिविस इज अज ऑफ सी ग्रास इज फाउंड टू है स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी अगेंस्ट विच डिसीज आंसर इज ऑप्शन नंबर एक कैंसर हैलोड्यूल यूनि नर्वस ये एक सी ग्रास है जैसा कि आप इमेज में यहां पर देख रहे हैं सी ग्रास है काफी स्मूथ होती है काफी सॉफ्ट होती है फ्लेक्सिबल होती है और बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है बायोडाइवर्सिटी के लिए राइट right? तो रिसर्चर्स ने फाउंड किया कि ये जो ग्रास है nervous, ये कैंसर के इलाज में काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है इसकी कैंसर के अगेंस्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है और ये कहाँ पर मिली रामेश्वरम साउथ तमिलनाडु में राइट right? तो रामेश्वरम इंडिया में ही है तमिलनाडु में ये मिला है और ये ह्यूमन कैंसर सेल्स को लाइन में लाने ह्यूमन कैंसर सेल लाइंस को इवेल्युएट करने में काफी हेल्प करेगा इंक्लूडिंग मेलेगनेंट मेलानोमा लंग सर्विक्स कैसेनोमा एंड कोलोरेक्टल कैंसर राइट तो इन सभी कैंसर के खिलाफ ये काम करेगा नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर टेन विच इज द नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट ऑफ इंडिया एज ऑफ टू थाउजेंड ट्वेंटी टू

25 जनवरी 1971 तो आपसे पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश कब बना था कब फॉर्मेशन हुआ इसका 25 जनवरी 1971 में 18th था ये भारत का विद इकहत्तर यशवंत सिंह पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी 1950 में हिमाचल बिकेम पार्ट सी स्टेट यूनियन टेरिटरी 1956 एंड गेट द फुल स्टेटहुड इन 1971 मैप में आप देखेंगे ये है लद्दाख और ये है जम्मू एंड कश्मीर पहले जब जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एक थे तो ये एक स्टेट था और नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट कहलाता था जम्मू एंड कश्मीर लेकिन क्योंकि अब ये दोनों यूनियन टेरिटरी में कन्वर्ट कर दिए गए हैं तो हमारा जो नॉर्दर्न मोस्ट स्टेट हुआ वो है हिमाचल प्रदेश राइट सो रिमेंबर दिस थिंग नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई एन एस खुखरी मेमोरियल इज लोकेटेड इन विच स्टेट तो ये बनाया गया है डी में राइट दादर इन दोनों को एक कर दिया गया है ये चीज भी आपको याद रखना है आई एन एस खुखरी मेमोरियल इंडो पाकिस्तानी वॉर मेमोरियल है जो कि यहाँ पर कमेमोरेट किया जा रहा है एक प्रिगेट अटैक बाय पाकिस्तानी सबमरीन इन नाइनटीन सेवेंटी सिक्स तो नाइनटीन सेवेंटी सिक्स में जो वॉर हुआ था उसका मेमोरियल है ये द शिप ऑफ इंडियन नेवीज खुकरी क्लास कोवेट्स

बीच में आप देख सकते हैं यह है दीव नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व नागालैंड वॉज आउट फ्रॉम इच स्टेट विथ विच इट श्योर्स हंड्रेड ट्वेल्व किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर दी आंसर नंबर ए असम असम और नागालैंड की बॉर्डर शेयर होती है ये देखिए आप मैप में देख सकते हैं लेकिन कई सालों से यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट चला आ रहा है तो फाइनली असम और नागालैंड ने डिसाइड किया कि हम आउट ऑफ कोर्ट हैंडल करेंगे इस मैटर को आउट ऑफ कोर्ट डिसीजन लेंगे और इस इंटर स्टेट बाउंड्री डिस्प्यूट को खत्म करेंगे सेटलमेंट करके राइट right? तो यहाँ पर नागालैंड जो काव किया था असम से वो 1963 में अलग हुआ था एंड शेयर फाइव हंड्रेड ट्वेल्व पॉइंट वन किलोमीटर लॉन्ग बॉर्डर नागालैंड जो है वो नागा डोमिनेटेड एरिया है और कुछ एरिया नागा हिल्स का असम में है तो नागालैंड कहता है कि जो नागा हिल्स वाला एरिया है वो हमें दो क्योंकि यहाँ पे नागा लोग रहते हैं सॉरी कम टू 13. इंडिया हैज पेड यूएस डॉलर 29.9 मिलियन इन बजट असेसमेंट ऑफ विच इंस्टीट्यूशन तो बजट असेसमेंट अभी हुआ है यूनाइटेड नेशंस का जिसमें भारत को 29.9 मिलियन यूएस डॉलर दिया गया है राइट right? यहां पर आप देखेंगे एज ऑफ जनवरी 21 22 24 मेंबर स्टेट्स हैव पेड देयर रेगुलर बजट असेसमेंट्स इन फुल जिसमें से ईरान गिनी एंड वानुअतु पेड सफिशिएंट ड्यूज टू द यूएन रेगुलर बजट टू रिटेन देयर वोटिंग राइट्स लेकिन वेनेजुएला और पपुआ न्यू गिनी डोंट हैव द राइट टू वोट इन दन नाइनटी मेंबर बॉडी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है इन दो कंट्रीज को वोटिंग राइट नहीं है वेनेजुएला और पपुआ न्यू गिनी नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी असिस्मेंट वॉट इज द एस्टिमेटेड ग्रोथ ऑफ इंडिया इन ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू दंसर इज ऑप्शन नंबर बी 9% का एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट बताया गया है आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में अब आपको याद रखना है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन जारी करता है तो ये करता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रभा अत्रे प्रभाज कंफोर्ड द पद्म विभूषण इज एसोसिएटेड विद विच आंसर इज म्यूजिक प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है इनका संबंध है म्यूजिक से प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी ने अप्रूव किए 128 पद्म अवार्ड्स ऑन द इवनिंग ऑफ 73rd रिपब्लिक डे 89 ईयर ओल्ड की हैं किराना घराना वोकलिस्ट प्रभा अत्रे जिन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा इन्होंने 11 बुक्स लिखी हैं म्यूजिक पे हिंदी और इंग्लिश में फ्रॉम अ सिंगल स्टेज शी एस्टैब्लिश द स्वरमय गुरुकुल राधे श्याम खेमका पोस्टमस लिटरेचर यूपी इन्हें भी मिला है जनरल विपिन रावत सिविल सर्विसेज में कल्याण सिंह पोस्टमस पब्लिक अफेयर्स वर आल्सो अवार्डेड पद्म विभूषण तो ये पद्म विभूषण अवार्डीज हैं यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं जनरल विपिन रावत जी जिनकी अभी अभी प्लेन क्रैश में आ, शहीद हो गए थे जो इन्हें भी सिविल सर्विसेज की फील्ड में पद्म विभूषण दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन है सऊदी अरेबिया हैज रिस्टोर टाइज विथ विच कंट्री आफ्टर थर्टी ईयर्स ऑफ डिस्प्यूट ओवर स्टोल जेम्स सऊदी अरेबिया और थाईलैंड के बीच में अब सुलह हो गई है तीस साल से जो डिस्प्यूट चला आ रहा था क्या डिस्प्यूट था कि सऊदी अरेबिया से कुछ जो ज्वेल्स हैं जो स्टोन्स हैं प्रिश स्टोन्स वो चुरा लिए गए थे फिफ्टी कैरेट ब्लू डायमंड जो कि बहुत ही रेयर होता है अभी तक रिकवर नहीं किया गया है लेकिन इस डिस्प्यूट में काफी ज्यादा ट्रेड का लॉस हो रहा था जो ट्रेड होता है इन दोनों के बीच में उसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है और ये जो ट्रेड का लॉस हो रहा था अब इन दोनों देशों ने डिसाइड किया कि जो हो गया वो तो हो गया है उसकी वजह से आने वाले समय में हमें किसी तरीके का लॉस नहीं करना है क्योंकि काफी ज्यादा जॉब भी गई थी था माइग्रेंट वर्कर्स की सऊदी अरेबिया से क्योंकि इन दोनों देशों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही थी बट नाउ ऑल वेल Now come to the question number seventeen. What is the area of space around which the James Webb Space Telescope orbits? The answer is option number A, Lagrange point L two. आप सभी ने physics में पढ़ा होगा कई बार maths में भी हम इसे पढ़ते हैं. Maths में अगर maths के student हैं तो वो जानते होंगे Lagrange point क्या होता है. अब यहाँ पर देखिए James Webb Space Telescope final destination पे पहुँच गया है around fifteen lakh like, kilometer from Earth. अब ये जैसे ऑर्बिट में पहुंचा है ना उस पर्टिकुलर पॉइंट को लैंग्रेज पॉइंट कहते हैं क्या होता है लैंग्रेज पॉइंट जहां पे ग्रेविटेशनल पुल जो होता है सन एंड अर्थ का वो बैलेंस हो जाता है बाय द दिफिकल फोर्स ऑफ द रोटेटिंग सिस्टम द पॉइंट्स वर फर्स्ट थियोराइज बाय इटालियन फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुई लैंग्रेज इसीलिए इसका नाम लैंग्रेज पॉइंट रखा गया वैम विल गो अराउंड इन अ हेलो एट अ डिस्टेंस सिमिलर टू दैट बिटवीन अर्थ एंड मून यहां पे आप इमेज में देखिए ये सन है यहां पर अर्थ है और यहां पे है जेम्स वेब ऑर्बिट तो जितना यहां पे डिस्टेंस है उतना ही एक्स्ट्रा यहां पे डिस्टेंस ले लिया गया है तो ये जो लैंग्वेज पॉइंट बना है यहां पे जो ग्रेविटेशनल पुल है सन का वो बैलेंस कर दिया जाएगा अर्थ के द्वारा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन है साइंटिस्ट फ्रॉम आई आई टी खड़गपुर केोर्टेबल डिवाइस डेवलप किया है ओरल कैंसर को यह डिटेक्ट करेगा और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है फाइव हंड्रेड यूएस डॉलर पर डिवाइस द न्यू टेक्नोलॉजी इनबल्स अ क्लिनिकल इन अम

जो ड्रग रेगुलेटर अथॉरिटी है इन्होंने ग्रांट किया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड और भारत बायोटेक की कोवैक्सिन जो कि कोविड नाइनटीन के लिए यूज की जा रही है इन्हें कंडीशनल मार्केट ऑथराइजेशन का दर्जा दिया गया है सिंस जनवरी लास्ट ईयर द टू वैक्सीस एवेलेबल अंडर एमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नेक्स्ट क्वेश्चन इज वट इज द अदर नेम ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एग्रीकल्चर फॉर समर कैंपेन द आंसर इज कॉन्फ्रेंस जेड कॉन्फ्रेंस क्यों रखा गया इसका नाम क्योंकि ये जो कॉन्फ्रेंस हुई है वो जेड क्रॉप के लिए हुई है जेड क्रॉप क्या होते हैं जो खारिफ और राबी क्रॉप के बीच में सो किए जाते हैं यानी उगाए जाते हैं अब देखिए खारिफ कब होते हैं खारिफ क्रॉप सबसे पहले यानी जो जुलाई का समय होता है जून जुलाई का बारिश के मौसम में उस समय खारिफ क्रॉप्स को बोया जाता है फिर जो सर्दियों का समय होता है उसमें रबी क्रॉप्स को बोया जाता है फिर जो आते हैं वो आते हैं हमारे इंटरनेशनल कस्टम्स डे ऑब्जर्व एवरी ईयर इंटरनेशनल कस्टम्स डे हर साल 26 जनवरी को ही सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड विथ यूनाइटेड नेशंस एज द होस्ट क्या होता है इसमें जो कस्टम ऑफिशियल्स का रोल है एजेंसीज का रोल है इन द फ्लो ऑफ गुड्स अक्रॉस वर्ल्ड बॉर्डर्स, इसे रिकॉग्नाइज करने के लिए दिन-साल सेलिब्रेट किया जाता है आपको याद रखना है कि इस दिन की शुरुआत की गई थी 1953 में कस्टम कॉपरेशन काउंसिल यानी सीसी के द्वारा जिसका नाम बदल के रख दिया गया वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन नाइनटीन में 2022 में जो थीम है वो है स्केलिंग अप कस्टम्स डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन बाय एम्ब्रेसिंग अ डेटा कल्चर एंड बिल्डिंग अ डेटा इकोसिस्टम राइट तो ये थीम आपको याद रखनी होगी लास्ट क्वेश्चन है विच कंट्री इज द होस्ट ऑफ 2022 विंटर ओलंपिक्स 2022 में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं इन्हें हम बीजिंग ओलंपिक्स भी कह रहे हैं क्योंकि ये चाइना के बीजिंग में होने वाली है क्यों चर्चा में है एक रिपोर्ट रिलीज की गई है स्पोर्ट इकोलॉजी ग्रुप एंड सेव वाटर विंटर्स सेव आर विंटर्स के द्वारा कि जो डेंजर है आर्टिफिशियल स्नो प्रोड्यूस की जाने वाली है ओलंपिक्स में एथलीट्स बॉडी के ऊपर इसको लेकर कंसर्न है इनका इट आल्सो वॉन्ट ऑन वाटर वेस्टेज दैट फॉर द स्नो एट दिस गेम तो ये जो आर्टिफिशियल शो ऑफ किया जाएगा यहाँ पे आर्टिफिशियल स्नो गिराई जाएगी एथलीट्स के ऊपर इन सभी चीजों को लेकर एक रिपोर्ट रिलीज की गई है कंसर्न बताया गया है और ये अभी चर्चा में है So this is all about this week. Thank you so much, guys, and stay connected with Edunature.